रक्तदान शिविर में पुरुषों के साथ में महिलाओं ने भी लिया हिस्सा। बता दें कि तस्वीर भिवंडी के मानसरोवर शॉपिंग सेंटर की है, जहां पर राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ द्वारा आयोजित किया गया था विशाल रक्तदान शिविर, जिसमें मानसरोवर के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ द्वारा जो विशाल रक्तदान शिविर पिछले कई सालों से आयोजन किया जाता है, इसमें विशेष तौर पर एक संदेश भी दिया जाता है, जो कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, रक्तदान ही महादान है, रक्त बहाए नहीं रक्त दान करे, इस तरह के स्लोगन के साथ में कई जगहों पर राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ यानी कि RSS के माध्यम से विशाल रक्तदान शिविर रखा जाता है। तो वहीं पर मानसरोवर की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर विशाल रक्तदान शिविर में महिलाएं भी हिस्सा लेती हुई दिखाई दी। लगभग 150 से भी अधिक लोगों ने अपने रक्त को दान किया। तो वहीं पर आपको बता दें कि यहां के जो स्थानीय पूर्व नगर सेवक थे श्याम अग्रवाल जी, वो भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेते हुए दिखाई दिए। प्रेम नारायण वहाँ पर मौजूद थे, साथ ही साथ दादा गोसावी भी दिखाई दिए। राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ के जो आयोजक थे उन सभी का आभार प्रकट करते हुए श्याम जी अग्रवाल ने अपने वक्तव्य में क्या कहा, हम आपको जरूर सुनाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि जिन लोगों ने यहाँ पर अपने रक्त को दान किया था, उन्हें सम्मानित करने के लिए विशेष तौर पर पत्र दिया गया और साथ ही साथ एक संदेश दिया गया कि पॉल्यूशन मुक्त भारत देश कैसे हो। आपको बता दें कि जिन्होंने रक्तदान किया था उन्हें प्लास्टिक का कैरी बैग ना देते हुए कपड़े का कैरी बैग दिया और एक संदेश दिया कि पॉल्यूशन मुक्त करने के लिए हमें कपड़े का थैली का उपयोग करना चाहिए। विशेष तौर पर श्याम अग्रवाल ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सर्वप्रथम आपके माध्यम से सभी को जय श्री राम। आज बकरीद है, उसके साथ साथ में निर्जला एकादशी भी है। आज पूरे देश भर में भगवान विष्णु का जहाँ जहाँ मंदिर है, जैसे महाराष्ट्र में हमारा पंडरपुर का विठ्ठल रुक्मिणी का मंदिर है, वारकरी वहाँ जाके अपने इष्ट की वंदना करते हैं। और आज जो है एक समाज के माध्यम से कुर्बानी के नाम पे असंख्य जानवरों का वध करके खून बहाते हैं, और आज हम लोग जो सनातनी है हम लोग जल का भी प्रयोग नहीं करते हैं, निर्जला बिना जल के आज उपवास रखते हैं हमारे लोग। उसी अनुसंग से संघ के माध्यम से आज मानसरोवर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। यही परंपराओं का फर्क है, एक समाज खून बहा रहा है, एक समाज जिंदगी बचाने के लिए रक्त का दान कर रहा है। तो आज जो है रक्तदान महादान ऐसा माना गया है। आज जो है एक एक बूंद जो है रक्त व्यक्ति का जीवन बचाता है, इसलिए ये कार्य सराहनीय है। जितने भी संघ के संयोजक हैं उनको मैं बधाई दूंगा, और जिन्होंने रक्तदान किया आज शिविर में उनको भी बधाई दूंगा और उनका धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने आगे आके रक्तदान किया है। और आज जो रक्तदान शिविर है उसमें साधारणतः 150 से ऊपर रक्तदाता शामिल होकर रक्तदान किया है, इसलिए ये कार्यक्रम जो भी है यशस्वी हुआ। इसलिए सभी आयोजकों और जो उनका सहयोगी थे उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। जो लोग रक्तदान करने से डरते हैं, उनके अंदर भ्रम है कि रक्तदान करने से शारीरिक कमजोरी आती है, तो उसके उनको क्या बोलेंगे आप? देखिए, रक्तदान करने से कोई कमजोरी नहीं आती है, ये विज्ञान ने साबित किया है कि व्यक्ति का रक्त जो है हर 3 महीने में बदलता है, पुराना रक्त समाप्त होता है नया रक्त बनता है। इसलिए कोई भी स्वस्थ व्यक्ति 3 महीने में एक बार रक्तदान कर सकता है। तो मैं आपके माध्यम से लोगों से आह्वान करूंगा कि हर एक 3 महीने में रक्तदान करें, और जो व्यक्ति रक्तदान नहीं कर सकते जिनको कोई बीमारी है वो रक्तदान के अंदर मदद करें। अलग अलग तरीके से मदद है, समय के माध्यम से रक्तदान करने वालों के लिए अलग अलग सेवाओं का विषय है, वो सेवाओं में मदद करें। तो हर एक व्यक्ति को अपनी जवाबदारी, समाज के प्रति जवाबदारी समझ के रक्तदान शिविर के अंदर मदद करनी चाहिए।